वेलकम गाइस, ये देख सकते हो महिंद्रा बोलेरो BS3। आप लोग ये देख सकते हो पंप सिस्टम वाला इंजन है, ठीक है। तो गाड़ी का प्रॉब्लम है ओवरहीटिंग है, ठीक है। तो पूरा ओवरहीटिंग वाला स्टार्ट करना। तो ये देख सकते हो पूरा इंजन में पूरा पानी घुस गया, ठीक है। ये देखो पूरा यहाँ तक ऑयल लेवल है, ठीक है। एक बार गेज को पूछ के घुसा, ये देखो यहाँ तक है मोबिल, यहाँ तक है। जबकि यहाँ तक रहना चाहिए, मतलब कम से कम 16-17 लीटर इंजन ऑयल है, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है पूरा एक सेल्फ में। गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं है, कोई धुआं नहीं है। ये देखो पूरा धुआं से कुछ नहीं है, कोई मिसिंग प्रॉब्लम नहीं है। बंद कर दो। किस लिए बंद किया? क्योंकि इसमें देखो 16-17 लीटर इंजन ऑयल है, ठीक है। तो इसलिए फटाफट बंद करवा दिया है। क्योंकि आप लोग देखा ही होगा एक तो गाड़ी में इंजन ऑयल ज़्यादा होने की वजह से इंजन खोल के रखा है गैरेज में। तो अभी हम लोग इसका पहले तो हेड खोलते हैं। ये पानी जाने का दो ही रीज़न हो सकता है, या तो हेड गैसकेट जला या फिर हेड का वाटर लाइन का कहीं से ब्रेक हो गया। उसमें ये छोटा छोटा बाटी होता है वाटर लाइन का ऊपर में, ये रोकर का नीचे में, तो वो उखड़ गया होगा। ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर वाटर पंप यहाँ में होता है इसका अंदर में कोई ब्रेक हो गया होगा, ठीक है, ब्लॉक का किनार में। तो हम लोग ये तीनों चीज़ खोल के अच्छे से देखेगा, रेडिएटर खोलेगा, वॉश करेगा, सारा चीज़ खुलता है उसके बाद में दिखाता है, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, हेड तो निकाल दिया है, ठीक है। हेड डाउन नहीं है, बिल्कुल बराबर है। हमको लगता तो नहीं है इसमें का गैसकेट गया होगा। देख सकते हो एक टुकड़ा निकला है, एक क्या चीज़ का टुकड़ा है, इसको धुलना पड़ेगा, ठीक है। गैसकेट सही है, अभी टिक करके नहीं देता हूँ। गैसकेट तो लीक नहीं है गैस, ठीक है। ये टुकड़ा कहाँ से निकला इसको धुलना पड़ेगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। गैस प्रॉब्लम को पता करने के लिए अभी हेड में हम लोग पानी भर रहा है, ये देख सकते हो लाइन ब्लॉक कर दिया, उसमें पानी भर के दिखता है क्या होता है। देख सकते हो पानी पूरा भर्ती हो गया, कम नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग का हेड सही है। ये देखो ये पाइप खोल के पानी गिरा, इधर वाटर पंप भी खोल दिया, वाटर पंप भी टूटा नहीं है, साला पानी घुसा कहाँ में। अब हम लोग इसका ब्लॉक में पानी भर के देखेगा, ठीक है। वाटर पंप को फिट करता है फिर से। सो गाइस अभी इंजन में पानी डाल के चेक कर रहा है। तो मैकेनिक है ना, तो जाना ना अगला काम किंतु ठीक है, हेड गैसकेट ठीक हो जाएगा। वो अभी देख रहा है कहां से घुसा, तो माल तो को बोल दे ना, कास्टो ना एक टुकड़ा अपने बोले से हमें तो था अभी निकल गया था, ये मैं काला काला के ले जा रहा हूं। ये बढ़ती हो गया, छोड़ दो, अभी देखता है पानी कम होता है कि पानी कमती तो नहीं हो रहा है। मोबिल है, मोबिल मैंने। सो गाइस ब्लॉक का पानी तो कम हो रहा है, पूरा अंदर घुस गया एकदम। ये देखो पूरा अंदर घुस गया। तो और थोड़ा पानी डालिए, तो थोड़ा सा हाँ धीरे से फिर से और एक बार ऊपर उठा के देखिए। बस पूरा ये देखिए पूरा भर्ती हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो ऊपर तरफ है ना, नीचे तरफ का दिखाता है सही रहेगा। ये देखिए पूरा भर्ती है, ठीक है। ये वाला देखिए मेन, इसका लेवल कम नहीं होना ये, क्योंकि इंजन ऐसा डाउन रहता है, तो इस तरफ पीछे तरफ ऐसा डाउन रहता है, तो आगे तरफ तो कम ही रहेगा।
तो ये पीछे का ये वाला लेवल में रहना, अगर इसका कम हो रहा है तो हम लोग को चैम्बर खोल के चेक करना पड़ेगा कहाँ से घुस रहा पानी। ठीक है, सो गाइस ये देख सकते हो पानी का लेवल कम हो रहा है धीरे धीरे। ये देखो पूरा एकदम बराबर था, अब नीचे चला गया। ये देखो पानी पूरा नीचे जा रहा है। ठीक है, सो गाइस देख सकते हो पानी पूरा अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो इसका पंप को लगाना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहा होगा इसका पंप क्यों खोल दिया, तो पंप खोलने का रीज़न कुछ और है, आपको हम दिखाएगा। उसका नोजल पाइप नहीं खुल रहा था, उसका होल्डर के साथ में घूम जा रहा था, तो पंप को फिट करने के बाद में चैम्बर खोलेगा, पिस्टन सबको बाहर निकालेगा, उसके बाद दिखाएगा कहाँ से लीक हो रहा है। ठीक है, तो गाइस ये देखो पंप खोल के लाने का रीज़न, ये होल्डर टू घूम जा रहा है। ठीक है, ये देखो एकदम नरम है, ये देखो ठीक है, ये देखो होल्डर घूम जा रहा है, नोजल पाइप टू नहीं खुल रहा है, और नोजल पाइप नहीं खुलेगा तो हेड बार कैसे निकालेगा, तो इसके लिए पंप को खुला है। ठीक है, सो गाइस चैम्बर खुल गए और ये देख सकते हो पानी कैसे निकल रहा है। ये देखो चार नंबर लाइनर से कैसे पानी निकल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग चारों पिस्टन को खोलेगा और चारों लाइनर को निकालेगा। ठीक है, सबसे ऐसे पानी निकल रहा है। ये देखो लाइट तो थोड़ा इस तरफ करो तो, हाँ ये देखो पूरा ऑयल कूलर में भी पानी पानी है एकदम। ठीक है, अभी हम लोग पिस्टन निकालता है, इसके बाद दिखाता है लाइनर निकाल के। तो गैस ये देख सकते हो लाइनर निकाल चुका है, ये देखो पूरा खा गया लाइनर। ठीक है, ये चार नंबर वाला है, अभी हम लोग तीन नंबर वाला पिस्टन लाइनर खोलेगा, ऐसा करके चारों खोलेगा। ठीक है, चारों खोल के एक लाइन से रखेगा, उसके बाद आप लोग को दिखाता है। ठीक, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए पूरा इसका ओरिंग खा गया। ठीक है, पूरा मामर लग के खा गया, वो नीचे का लाइट भी निकाल दो ना, नीचे का लाइट किसके निकाल दो, निकाल दो वायर से किचो। वन प्लस है नहीं, F17 प्रो। सो गाइस ये देख सकते हो चारों पिस्टन खोल दिया, चारों लाइनर खोल दिया, पूरा लाइन लगा दिया। ठीक है, और ये देखो लाइनर का कंडीशन पूरा ख़त्म, बर्बाद तबाह हो गया, एकदम तबाह बर्बाद हो गया। इनका कंडीशन देख सकते हो, ये शेयर बेयरिंग भी ख़त्म हो गया एकदम। ठीक है, ये देखो आप लोगों को पता ही हम अच्छा होने से शेयर बेयरिंग उसी को यूज़ करता है, लेकिन ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी सारा सामान लेके आता है, उसके बाद में दिखाता है,
फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये देख सकते हो पूरा रात हो गया, ये गाड़ी है।